हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एनटीए ने जेईई 2021 का रिवाइज ब्रोशर वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो आइए देखते हैं कि उस रिवाइज ब्रोशर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर आपको ब्रोशर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जहां पे आप क्लिक करके डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यह है हमारा रिवाइज जेईई 2021 का इंफॉर्मेशन ब्राउजर। इस बार ये एग्जाम जो है वो आईआईटी खड़गपुर करा रहा है, तो आप देख लीजिएगा पिछली बार जब भी आईआईटी खड़गपुर ने एग्जाम कराया है तो किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि उसी से मिलते जुलते पैटर्न के इस बार भी क्वेश्चन आने वाले हैं, दोनों मेंस और एडवांस्ड में। मेंस में तो खैर बात अलग हो जाती है, एडवांस्ड में बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो उसके बाद ये पूरा ब्रोशर के अंदर सब कुछ दे रखा है कि इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता रखा है, एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है और एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता रखा है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जामिनेशन में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। तो चलिए हम जो मेन एग्जामिनेशन पे चलते हैं। बाकी तो सब चीजें जो शुरुआत की चीजें हैं वो तो सारी की सारी सेम है। आईआईटीज क्या है, कैसे हैं, वो सब तो पता ही है। सबसे पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे अभी तक डेट्स डिसाइडेड नहीं है, तो ये काट रखी है, ये क्रॉस कर रखी है। जैसे ही डेट्स डिसाइड होंगी आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट मिल जाएगा वेबसाइट पे। फिर आती है हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन वही सब चीजें हैं, क्राइटेरिया। अगर आप जेई मेंस के अंदर पास होते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो आपको अगर टॉप 2.5 लाख या 2,50,000 बच्चों में आते हैं तभी आप जेई एडवांस दे सकते हैं। ये जो नंबर है 2,50,000, ये वेरी होता रहता है। लास्ट ईयर तक ये 2,45,000 था, इस बार अप्रोक्सीमेटली 5,000 की बढ़ोतरी हुई है। अलग अलग कैटेगरीज में कितने बच्चे जाएंगे वो सब चीजें भी यहाँ पे अलग से स्पेसिफिकली मेंशन है, ताकि किसी के मन में कोई डाउट ना रहे। फिर आता है क्राइटेरिया एज लिमिट का। अक्टूबर 1, 1991 के बाद ही आप जन्मे होने चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, ये वही जो हर साल होता है उसी तरीके से। अपियरेंस इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो ये वही सब चीजें हैं पुरानी जो आप हर साल होती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज आया है, वो यहाँ पे लिखा है, ये बोल्ड के अंदर इन लोगों ने लिखा है। ये क्या है कि जिन बच्चों ने लास्ट ईयर क्लास 12th पास कर ली थी और जेईई मेंस के अंदर वो लोग अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी हो गए थे जेईई एडवांस लिखने के लिए, और रजिस्ट्रेशन में उन्होंने जेईई एडवांस का फॉर्म भी भर दिया था, बट किसी कारण से वो जेईई एडवांस्ड के पेपर नहीं दे पाए थे, वो इस साल फिर से जेईई एडवांस का पेपर दे सकते हैं विदाउट गिविंग जेईई मेंस का पेपर। आपको जब जेईई एडवांस्ड के फॉर्म्स आएंगे तब उन फॉर्म्स के अंदर रजिस्टर करना है, और आपकी जो सीट्स अलॉट होंगी वो जो इस साल बच्चे आईआईटी में जाएंगे उस हिसाब से नहीं होगी, लास्ट ईयर वालों के हिसाब से होगी। तो घबराना नहीं है जो बच्चे इस साल देने वाले हैं जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन, क्योंकि आप लोगों के कोटा में से सीट नहीं जा रही, उनके लिए अलग से जो एक्स्ट्रा सीट्स हैं वो जाएंगी, ठीक है। और फिर ये चीज, ये यहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई है। इस वाले पॉइंट के अंदर क्या लिखा है कि 12th एग्जामिनेशन जो है जिस साल डिक्लेयर हुआ या जिस साल जो भी आपके पर्टिकुलर बोर्ड ने डिक्लेयर किया उसी साल का माना जाएगा, चाहे वो एग्जामिनेशन बाद में हो चाहे पहले हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अर्लियर एडमिशन इन टू आईआईटी, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो ऑलरेडी पहले भी वही थी जो अभी है, कुछ चेंजेस नहीं है। फिर वापस से वही काम, सारी की सारी डेट्स को काट दी गई है रिवाइज ब्रोशर में, क्योंकि पता है इन डेट्स पे तो कोई एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकते अब कोविड के कारण। आगे बढ़े हम तो बाकी सारी चीजें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये फीस वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। इस बार 1400 फीमेल कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरीज SC ST PWD के लिए 1400, और बाकी बच्चों के लिए थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी, 2800 फीस है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी कंट्रीज के लिए भी जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए फीस वगैरह के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड वही सब पुरानी चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। रिवाइज के अंदर जो जो चीजें नई आई थी वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है, बाकी तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। सब जो भी सिटीज जो भी हैं आपकी, जहां जहां पे आप एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वो सारी की सारी लिस्ट दे रखी है। आप चाहे तो यहाँ से पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को, या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस चीज का। फिर वापस से यही सारी डेट्स, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सब की सब काट दी यहाँ पे, सारी की सारी डेट्स काट दी, ठीक है। तो यही सब था बेसिकली यहाँ पे, और वापस से वही सारी डेट्स, जहां जहां डेट्स लिखी हुई है सब की सब क्रॉस कर दी गई है, क्योंकि पता है कुछ भी नहीं हो रहा। तो ठीक है, तो यही आया था हमारे रिवाइज्ड ब्रोशर में। तो आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा कि कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं। आपका जो एग्जामिनेशन है बहुत ही जल्दी होगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि जितने ज्यादा आप मार्क्स ला पाए उतने ही करीब आप होंगे अपनी ड्रीम आईआईटी के। सो कीप वर्किंग हार्ड, बी मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड। थैंक यू।